जाते हैं सरकारी में तो दूधरा का भगा देता है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ना तो पैसा मिल रहा है, ना तो राशन मिल रहा है। आइए ना हमारा बिहार में। तारीख थी 17 जून और साल 2018, जब लोकल वेब पोर्टल्स पर एक खबर खूब वायरल हो रही थी। गुड न्यूज, बिहार का सहरसा जंक्शन रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में बना नंबर वन। मुझे हैरत तो हुई थी क्योंकि सहरसा देश के सबसे पिछड़े इलाके का एक छोटा सा शहर है जो आए दिन बाढ़ से डूबा रहता है और वहां का रेलवे स्टेशन भी कुछ खास बड़ा तो है नहीं। इस पर यूं ही बस कुछ 7-8 लंबी दूरी की ट्रेनें और कुछ लोकल रेलगाड़ियां चलती हैं, तो फिर ये रेलवे स्टेशन कैसे रेवेन्यू में नंबर वन हो सकता है? पड़ताल करने पर पता चला कि बिहार एक बार फिर से अपनी नाकामी का जश्न मना रहा है। अब भला हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जानना चाहते हैं तो पकड़ लीजिए बिहार की ट्रेन। बिहारी हैं, धूप के माथा में छेद कर देंगे। 2018 में आई सूरमा फिल्म का ये डायलॉग बिहार की गलियों में काफी फेमस है। यहाँ की सहूलियत चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन यहाँ के भिखारी हाईटेक हैं, जो गर्दन में QR कोड लटकाए घूमते हैं। और यहाँ की पुलिस तो और भी ज्यादा गजब की है, वो अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में मरे हुए व्यक्ति पर भी धारा 107 लगा देती है, यानी मरा हुआ व्यक्ति क्राइम के लिए उकसा रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि बिहार यूपी के बाद सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स देने वाला राज्य है। 2022 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग उस वक्त देश में 4,925 IAS अधिकारियों में से 452 अकेले बिहार से ही थे, यानी 9.38% टॉप ब्यूरोक्रेट्स बिहारी थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ का लिटरेसी रेट ज्यादा है। यहाँ महज 61.8% लोग ही पढ़े लिखे हैं, और इनमें से भी ना जाने कितनों के पास तो फेक डिग्री होगी। यही वजह है कि यहाँ के डॉक्टर्स मरीज को यूरिन बैग की जगह कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही लगा देते हैं। खैर, ऐसे कारनामों के लिए तो बिहार पॉपुलर है, लेकिन सबसे बड़ी रिकॉर्ड तोड़ आज से करीब 5 साल पहले आई थी। दरअसल साल 2018 में वेब पोर्टल्स पर एक न्यूज खूब वायरल हो रही थी कि 13 से 17 जून यानी महज 5 दिनों में बिहार के सहरसा जंक्शन पर 2 करोड़ रुपए के टिकट बिके हैं। अब लोकल ट्रेनों से इतना रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इन 5 दिनों में 60,000 से ज्यादा लोग यहां से पंजाब और हरियाणा के लिए निकले थे, क्योंकि वहां से इन्हीं दोनों जगहों के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें चलती थी। लेकिन यहां सवाल ये है कि वो लोग जा कहां रहे थे, और क्या सच में बिहार को इस पर गर्व करना चाहिए? अब देखिए, इसकी पड़ताल के लिए मैं वहां पहुंचा तो वहां का नजारा काफी हैरान कर देने वाला था। दरअसल उस स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से एक पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हर जगह झुंड में लोग या तो बैठे थे या लेटे हुए थे। कई लोगों को तो 4-5 दिन हो गए थे वहां डेरा डाले हुए, जो हाथों में टिकट लिए हुए ट्रेन की तरफ भागते तो जरूर थे, लेकिन चढ़ नहीं पाते थे क्योंकि हर ट्रेन पहुंचते ही फुल हो जाती। फुल मतलब ट्रेन के दरवाजे पर भी लटकने की जगह नहीं थी। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो लोग 4-5 दिनों से टिकट कटा कर बैठे थे, वो भड़क गए। उन्होंने स्टेशन पर हंगामा करना शुरू कर दिया। सभी ट्रेनों का मूवमेंट रोक दिया गया। तब स्टेशन मास्टर ने वादा किया कि वो रेलवे से स्पेशल ट्रेन चलाने की रिक्वेस्ट करेंगे। दरअसल वह पंजाब और हरियाणा में धान कटाई का सीजन था, सभी लोग वहीं जाने की कोशिश में थे ताकि कुछ रोजगार भी मिल जाए। उस साल कोसी और आसपास के इलाकों में बाढ़ की वजह से इन मजदूरों के अपने खेतों में कुछ बचा नहीं था। 300-400 रुपए रोजाना की इस शॉर्ट टर्म मजदूरी के लिए ये लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करने पर मजबूर हो गए थे। इन्हीं मजदूरों की वजह से सहरसा जंक्शन रेवेन्यू में नंबर वन हो गया, और वहाँ लोकल न्यूज पोर्टल इस पर प्राउड फील कर रहे थे। बिहार की ट्रेजेडी यही है, ये लोग अपनी नाकामी में भी गर्व महसूस करने लगते हैं। ऐसे कई और भी किस्से हैं। अभी 1-2 साल पहले की बात है, जब गया जिले के लौंकी भुइया की कहानी वायरल हुई। उन्होंने अपने गांव में 3 किलोमीटर लंबी नहर अकेले खोद डाली थी, पूरे 30 साल लगाकर। जैसे ये खबर मीडिया में आई, उन्हें दूसरा दशरथ मांझी कहा जाने लगा। वही दशरथ मांझी जिन्होंने अपने गाँव के रास्ते बनाने की कोशिश में पहाड़ को अकेले काट दिया था, उनकी जिंदगी पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई। मांझी तब से बिहारी प्राइड यानी बिहारियों के लिए गर्व का सिंबल बन गए। लौंगी भुइया की कहानी भी इतनी पॉपुलर हुई दोस्तों कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से उनके लिए एक ट्रैक्टर भेज दिया गया।
वहीं कुछ महीने पहले ज्योति कुमारी की कहानी वायरल हुई। वह लॉकडाउन में अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से दरभंगा के अपने गांव आई थी। तब ज्योति को भी बिहार का गर्व बताया गया और उन्हें सम्मानित करने के लिए उनके दरवाजे पर पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोगों का जमावड़ा लग गया। बिहार में ऐसे किस्सों की कोई कमी नहीं है। फला गांव के लोगों ने कई साल पुल के लिए आंदोलन किया और जब सरकार नहीं मानी तो लोगों ने खुद बांस का या सीमेंट का पुल बना लिया। सड़क नहीं थी तो रास्ता बना लिया। स्कूल नहीं था तो लोग खुद बच्चों को पढ़ाने लगे। अस्पताल नहीं था तो खैराती अस्पताल खोल लिए गए। एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया। ये कहानी बिहारियों के साहस का सिंबल जरूर है, लेकिन इसके पीछे सिस्टम की नाकामयाबी का पहला अक्षर गुम हो जाता है। मुंबई के IIPM इंस्टीट्यूट ने इसी साल फरवरी में एक सर्वे रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि हर दो में से एक बिहारी परिवार को रोटी कमाने के लिए अपना घर बार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। यहाँ से ज्यादातर लोग पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के खेतों में काम करने लग जाते हैं और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए ठिकाना बनाते हैं मुंबई, गुजरात और चेन्नई को। कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर तो पूरे देश में ये चले जाते हैं। माइग्रेट करने वाले 90% लोग अनस्किल्ड लेबर यानी कि अकुशल मजदूरी करते हैं और उनकी एवरेज मंथली इनकम होती है सिर्फ 2 से 5 हजार रुपए। यानी बिहार अपने लोगों को 2 हजार का रोजगार भी नहीं दे पाता। बिहार के लोग हर काम के लिए माइग्रेट करते हैं। BA MA से लेकर BTEC तक की पढ़ाई के लिए, कंपटीशन की तैयारी से लेकर छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ अच्छे कॉलेजेस और हॉस्पिटल तो नहीं है। हालांकि बिहार सरकार ने अब तक के माइग्रेशन को लेकर कोई स्टडी नहीं कराई है, लेकिन जनरल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोजगार के 55%, बिजनेस के लिए 3% और शिक्षा के लिए 3% बिहार से माइग्रेट करते हैं। वहीं साल 1951 से 1961 तक की ये बात करें तो बिहार से महज 4% लोग ही काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते थे। लेकिन 2011 की जनगणना की आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि 2001 से 2011 के दौरान 93 लाख बिहारियों ने माइग्रेट किया था, जो कि देश की माइग्रेशन करने वाली कुल आबादी का 13% है। ऐसे तो हर साल कितने लोग माइग्रेट करते हैं, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा बिहार सरकार के पास है ही नहीं और ना ही किसी संस्था के पास है। लेकिन 2020 कोरोना के समय 35 लाख से ज्यादा लोग बिहार से वापस आए। इससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि 13,07,25,310 आबादी वाले बिहार में कितने लोग माइग्रेट करते होंगे। बिहार से माइग्रेट करने वाली आबादी में से 6.19% आबादी पंजाब की तरफ जाती है। AN सिन्हा इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पंजाब में रहने वाला हर 10वां आदमी माइग्रेंट है, जिसमें से ज्यादातर बिहार और यूपी से हैं। हालांकि ये काम की तलाश में लगभग देश के हर हिस्से में जाते थे। जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स की रिपोर्ट की माने तो बिहार से माइग्रेशन करने वाली कुल आबादी में से 19.34% दिल्ली, 10.55% महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में 10.24%, हरियाणा 6.67%, 6.19% पंजाब, झारखंड 4.12%, गुजरात 4.67%, पश्चिम बंगाल 3.65% और अन्य राज्यों में 13.36% है। हालांकि ये आंकड़ा 2011 का है, अब ये आंकड़ा फिलहाल कम ज्यादा हो सकता है। बिहार से पंजाब और हरियाणा में जाने वाली 50-60% आबादी खेतों में काम करने जाती है। हालांकि यहाँ के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक समय ऐसा था जब खेती को बिहार की बैकबोन कहा जाता था, फसल भी अच्छी होती थी। वहीं बिहार की इकोनॉमी में अब भी एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ के लोकल लोग अपनी जमीन पर फैक्ट्रीज लगाने के बजाय इस पर खेती करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ के किसान सीमांत हैं, यानी उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं। अगर वहां पर भी फैक्ट्री बन गई तो खाएंगे क्या। सालों से ये लोग अपना गुजर बसर करने के लिए जमीन पर ही निर्भर हैं। इनसे न केवल इनका घर चलता है बल्कि इनकी जरूरती सुविधाएं भी जमीन के सहारे ही पूरी हो जाती हैं। आज भी बिहार की 80% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। अब वहीं अगर दोस्तों हिस्ट्री को उठाकर देखें तो यहाँ का इतिहास काफी अच्छा रहा है। नंदा डायनेस्टी और मौर्यन एम्पायर जैसे पावरफुल किंगडम का राइज इसी स्टेट से रहा है। ये बिहार की ग्लोरी ही है कि हमें यहाँ से गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान संत मिले हैं। साथ ही साथ चाणक्य, आर्यभट्ट,
और महर्षि पाणिनि जैसे ग्रेट स्कॉलर्स का ताल्लुक भी इसी स्टेट से रहा है। अपने समय की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज नालंदा और विक्रमशिला भी बिहार में ही हुई हैं। लेकिन हिस्टोरिकली इतना रिच और पॉपुलर होने के बाद भी ये स्टेट बड़ी इन्फ्लुएंशियल कंपनीज को अपने स्टेट तक खींच लाने में पूरी तरह फेल रहा है। बैड गवर्नेंस, पॉवर्टी और पुअर लॉ एंड ऑर्डर का ठप्पा तो इस राज्य के ऊपर है ही। लेकिन आखिर क्या रीजंस रहे हैं कि बाकी स्टेट्स की तरह यहाँ कंपनीज और इंडस्ट्रीज अपना एक्सपेंशन करने में फेल रही हैं? आखिर क्यों कोई भी इंडस्ट्री बिहार में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाना चाहती है? अब इस सवाल का जवाब लॉजिकली चाहे जो भी हो, लेकिन जब बिहार के चीफ मिनिस्टर से स्टेटमेंट मांगा गया तो उनका कहना कुछ ऐसा था। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। समुद्र का नाम लेकर नीतीश कुमार कई बार बचने की कोशिश तो कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिहार से सबसे नजदीकी पोर्ट वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, जिसकी बिहार से दूरी तकरीबन 700 किलोमीटर है, यानी आसपास समुद्र का नामो निशान तो है नहीं। तो फिर भला क्यों कोई इंडस्ट्री इतनी दूर अपना पोर्ट खोलने का रिस्क उठाएगी? कुछ ऐसी ही सोच बिहार की सत्ता में बैठे बड़े नेताओं की भी रही है। तभी तो इस स्टेट से कोस्टल एरियाज में पोर्ट डेवलप करने की मांग भी कई बार उठ चुकी है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भारत में केवल बिहार ही एक लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है, ऐसे कई स्टेट्स हैं जो लैंडलॉक्ड होने के बाद भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज डेवलप करने में कामयाब रही हैं। अब जरा एक बार इस मैप पर नजर डालिए। इसमें पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में क्या आपको सुंदर बीचेस और बड़े ओशन नजर आ रहे हैं? नहीं ना। लेकिन टोटली लैंडलॉक्ड होने के बाद भी यहाँ फैक्ट्रीज की कोई भी कमी नहीं है। स्पेशली ये दोनों राज्य इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचने में काफी कामयाब रहे हैं। खास तौर पर हरियाणा इंडस्ट्रियल सेक्टर में सालों से लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब बनकर बैठा है। इसने आईटी फील्ड में भी काफी तेजी से ग्रो किया है। वहीं पंजाब एक बड़ा टेक्सटाइल हब है। इसे वीट ऑफ बॉल के रूप में तो लोग जानते ही हैं, लेकिन ये स्टेट अपने स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर वर्क्स, ऑप्टिकल, सेमीकंडक्टर, इंस्ट्रूमेंटेशन और आईटी कंपनीज के लिए भी काफी फेमस है। अब अगर ये भी जरा सोचा होता तो बिहार अपने प्री कॉलोनियल पीरियड में भी काफी ट्रेड नहीं कर पाता। इतिहास हमें बताता है दोस्तों कि मुगल एरा से लेकर मॉडर्न पीरियड में भी इस स्टेट का व्यापार इंडियन ओशन से कनेक्टेड था। फर्टाइल लैंड होने की वजह से इस स्टेट के किसान राबी और खरीफ दोनों तरह की फसलें उगाते थे और इंडियन ओशन के जरिए उसे बेचते भी थे। कुछ हद तक ये वजह वाजिब है, लेकिन अब जाकर इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ट्रेन वापस पटरी पर लौट रही है। हालांकि हालात में अभी भी कुछ खास सुधार तो नहीं है। ऐसे में दो ही ऑप्शन है, बिहारी चाहे तो माइग्रेट कर जाएं या दशरथ मांझी बन जाएं, ये उन पर डिपेंड है। वहीं सरकार जैसी 1947 में थी आज भी वैसी ही है, उसे नहीं बदलना है, बदलना भी है तो बहुत स्लो मोशन में। अब देखिए दोस्तों, दुनिया आगे जा रही है और बिहार आज भी वहीं पर ठहरा हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार हमेशा सबसे आखिर में नजर आता है और क्राइम और पॉपुलेशन में सबसे ऊपर। बिहार सरकार हर साल कहती है कि वह डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही है, लेकिन फिर पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बिहारी सबसे आखिरी पायदान पर क्यों है? देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले यहाँ के लोगों की इनकम एक तिहाई है और बिहार के शिवहर जिले के लोगों की तो सिर्फ 7,000 रुपए सालाना यानी हर महीने 600 रुपए भी नहीं है। हर साल बाढ़ आती है बिहार में, जिसमें 38 में से 28 जिले पानी में डूब जाते हैं। हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना जो इस तबाही को कम कर सके। जबकि हर साल फ्लड फाइटिंग से लेकर रिलीफ वर्क तक करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। हर साल मुजफ्फरपुर के आसपास जिलों में चमकी बुखार से दर्जनों बच्चे मर जाते हैं, लेकिन अब तक न सिर्फ बीमारी की वजह का पता चल सका है और न ही इसकी कोई परफेक्ट सॉल्यूशन मिला है। कुल मिलाकर ऐसी दर्जनों मिसालें हैं जो बताती हैं कि बिहार देश के साथ कदम से कदम मिलाकर क्यों नहीं चल पा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पिछले 15 सालों से बिहार में लगभग एक ही संगठन की सरकार है, फंड की भी कोई कमी नहीं है। इसकी वजह भी कहीं ना कहीं सरकार ही है। यहाँ की सरकार भी प्राइवेट कंपनीज को लेकर इतना सपोर्टिव रवैया नहीं रखती है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले भी कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने बिहार में फलने फूलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उनके हाथ केवल निराशा ही लगी है। पिछले 30 सालों में कई इंडस्ट्रीज ने इस स्टेट में दम तोड़ दिया है और उसके लेबर बेरोजगार होने पर मजबूर हो गए हैं। इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल शुगर मिल है। जी हाँ, आजादी के बाद पूरे देश में 56 चीनी की मिल थी, इसमें 33 बिहार में थी, जहाँ अब 18 शुगर मिल्स पर तो ताले लग चुके हैं।
एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1960 से 70 के दशक में बिहार भारत के शुगर प्रोडक्शन में 40% का कंट्रीब्यूशन करता था, लेकिन अब यही आंकड़ा घटकर 2% तक रह गया है। ज्यादातर मिलों पर किसानों का करोड़ों का कर्जा है। राइस मिल्स की बात करें तो बिहार का 40% कल्टीवेटेड लैंड चावल उगाने के काम आता है। इस स्टेट में कभी 3000 राइस मिल्स हुआ करती थी, लेकिन बहुत बड़े स्कैम की चपेट में आते ही इसमें से 2000 मिल्स रातों रात शट कर दी गई। 1951 में पूरे देश में 6982 रजिस्टर्ड फैक्ट्री में से 455 अकेले बिहार में थी, यानी पूरे भारत की 6.51% रजिस्टर्ड फैक्ट्री अकेले बिहार में ही थी। बिहार में इंडस्ट्री के क्लोज्ड होने का एक कारण वसूली भी रहा है दोस्तों। बिहार के किशनगंज से लेकर मुजफ्फरपुर तक कई मिल्स ऐसी हैं जो इसी वजह से खाली पड़ी हैं। यहाँ सरकार का रवैया ही प्रदेश के विकास में रोड़ा बना हुआ है। जाहिर है कि कोई भी फैक्ट्री रातों रात खड़ी नहीं हो जाती। इसके लिए सरकार को भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन बिहार गवर्नेंस की तरफ से हमें ऐसी स्ट्रेटजीज कम ही देखने को मिली हैं। और नतीजा ये रहा कि इस स्टेट में इंडस्ट्रीज की कमी को स्पिल ओवर इफेक्ट से भी जोड़कर देखा जाता है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर स्पिल ओवर इफेक्ट है क्या। दरअसल अगर एक ही स्टेट, सिटी या टाउन में हाईली टैलेंटेड और स्किल्ड वर्किंग क्लास इकट्ठा हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी कंपनीज अपने आप ही उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इससे होता यह है कि स्टेट की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती है। डेवलपमेंट के चलते न्यू अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप होती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करता है, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज बेहतर होती जाती हैं और ग्रोथ की ये साइकिल इस तरह एक पुअर स्टेट को डेवलप्ड स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर देती है। कुछ ऐसे ही हमें गुड़गांव के केस में भी देखने को मिलता है, जहां की राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को सब्सिडीज देकर अपने स्टेट में स्टार्टअप सेट करने का मौका दिया था। इसी के तहत मारुति ने भारत की पहली ऑटोमोबाइल फैक्ट्री हरियाणा में खोली थी। इससे यहां उन्हें न केवल सस्ते लेबर मिले बल्कि लोगों के लिए भी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप होती चली गईं। लोगों के हाथ में पैसा आया और वह कई लेवल पर स्किल्ड होते चले गए। इससे बाकी प्राइवेट कंपनीज भी गुड़गांव की तरफ अट्रैक्ट होती गईं। और आज आलम ऐसा है कि हरियाणा न केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर वन है, बल्कि गुड़गांव एक एमएनसी हब बन चुका है, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज और स्किल्ड एम्प्लॉयज की कमी नहीं है। वहीं बिहार की इकोनॉमीज और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पर नजर डालें तो ये स्टेट अपनी एक्सिस्टिंग इंडस्ट्री को भी कंटिन्यू रखने में फेल रहा है। कहीं ना कहीं इसने अपनी ट्रू पोटेंशियल को भी नहीं समझा था। इसके पीछे भी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। यहाँ की सरकार एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा सड़कों, फ्लाईओवर, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट्स और जलसों में पैसा खर्च करती आ रही है। हर साल यहाँ हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। खुद सरकार कहती है कि राज्य का बजट का साइज पिछले 15 सालों में 7 गुना बढ़ गया है। ये पैसा लेकिन उस काम के लिए खर्च नहीं हुआ जिससे बिहार के आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सके। इन पैसों का इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने जैसे बेसिक काम के लिए ठीक से नहीं हुआ है। कॉलेजों में 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। स्कूलों में बच्चे जाते तो हैं, लेकिन सिर्फ मिड डे मील के लिए। ब्लॉक से लेकर राजधानी तक सैकड़ों सरकारी हॉस्पिटल हैं, लेकिन वहां सिर्फ इमारतें हैं, डॉक्टर्स और नर्स नहीं। बिहार में डॉक्टर और नर्सों के 75% पद खाली हैं। सरकारी सिस्टम को चलाने के लिए टैक्स के पैसे का यूज हो रहा है, लेकिन उसमें आम लोगों का कोई फायदा नहीं है। ऐसे में सिर्फ ठेकेदारों की जेबें भरी जा रही हैं। यही बिहार की इकलौती इंडस्ट्री है। आज भी राजधानी पटना से सिर्फ 10 किलोमीटर बाहर निकलते ही बिहार का असली चेहरा देखने को मिल जाता है। ऐसी हालात की एक ही वजह है कि हमारा सिस्टम अब भी जंग लगा हुआ है और हमारी सरकारें सिस्टम में लगी जंग को छुड़ाने में फेल हो चुकी हैं। अब आखिर में एक और बात याद आती है जो महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने सबसे मशहूर उपन्यास मैला आंचल में लिखी थी। दरअसल उस उपन्यास का हीरो एक डॉक्टर है जो एक छोटे से गांव मेरीगंज में मलेरिया का इलाज करने आया था। वहां पहुंचने के बाद वह अपने दोस्त को लेटर लिखता है, मैंने मेरीगंज की बीमारी ढूंढ ली है, वह मलेरिया नहीं बल्कि यहाँ की भीषण गरीबी है। जब तक गरीबी का इलाज नहीं होगा मेरीगंज को किसी बीमारी से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता। वहीं बिहार की बीमारी उसका पिछड़ापन नहीं है बल्कि यहाँ के सिस्टम की नाकामी है, जिसे बहुत स्लो मोशन से चलने और बार बार रुक जाने की बीमारी है। अब जब तक यहाँ के सिस्टम की जंग लगी हुई मशीनरी को बदला नहीं जाएगा बिहार अटका ही रहेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।